चैप्टर नंबर 64 ये इस नॉवल का लास्ट चैप्टर है और आपको याद होगा कि डेविड कॉपरफील्ड नाम का जो एक कैरेक्टर है वो अपनी लाइफ की कहानी इस नॉवल में बता रहा है। और ये जो लास्ट चैप्टर है इसमें अगर हम असल में देखें तो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है, लेकिन ये कहानी तो एक डेविड कॉपरफील्ड नाम के कैरेक्टर की है। तो डेविड कॉपरफील्ड जो है इस लास्ट चैप्टर में उसके लाइफ में कौन कौन से लोग हैं और उनके लाइफ में क्या हो रहा है उसका एक निचोड़ दे रहा है। डेविड बताता है कि मिस बेट्सी यानी उसकी आंटी जो हैं अब वो लगभग 80 साल की हो गई हैं, लेकिन उनकी जो स्वास्थ्य है बहुत ही अच्छी है और इतनी अच्छी है कि वो लंबी दूरी तक लगातार चल लेती हैं। इसके बाद इस चैप्टर में हम देखते हैं कि डेविड बताता है कि उसकी 3 बेटियां हैं और नॉवल में ये ठीक से क्लियर नहीं है, लेकिन उसके 2 बेटे भी हैं। तो उसके 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां, 2 बेटे, और जो बेटियां हैं उनका नाम है, एक का नाम है लिटिल एग्नस, दूसरी का नाम है बेट्सी ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड, तीसरी का नाम है डोरा। और डेविड ने अपनी लाइफ में जितनी भी जो भी फीमेल्स आई हैं उनके नाम पे ही अपनी बेटियों के नाम रखा हुआ है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है। एक का नाम उसने अपनी एक्स वाइफ यानी डोरा के ऊपर रखा है, और एक का नाम अपनी आंटी के ऊपर, और अपनी जो अभी प्रेजेंट वाइफ है एग्नस उसके नाम के ऊपर रखा हुआ है। मिस बेट्सी जो हैं वो डेविड की जो बेटी है जिसका नाम बेट्सी ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड है उसकी गॉड मदर भी हैं। और उसके जो बेटे हैं 2 तो वो मिस्टर डिक के साथ पतंग उड़ाने के लिए भी जाते हैं जब उनकी छुट्टियां होती हैं तब। मिस पैगेटी जो हैं अभी भी मिस बेट्सी के साथ रहती हैं। डेविड बताता है कि मिस्टर डिक भी अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, और डेविड ये भी बताता है कि वो एक बार मिसेस स्टेफोर्ड से मिलने के लिए गया था, तो मिसेस स्टेफोर्ड जो हैं उनकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है और वो जो हैं हमेशा अपने बेटे जेम्स स्टेफोर्ड की यादों में खोई रहती हैं, और उनके और रोज़ा डार्टल के बीच में बहुत ही नोकझोंक होती हैं अभी भी, लेकिन वो दोनों साथ ही रहते हैं और मिस रोज़ा डार्टल जो है मिसेस स्टेफोर्ड का ख्याल भी रखती हैं। आपको याद होगा डोरा की एक फ्रेंड थी मिस मिल्स, जिसकी वजह से डोरा और डेविड की शादी संभव हो पाई, तो उन्होंने भी एक बहुत ही अमीर इंसान से शादी कर ली है। और डॉक्टर स्ट्रॉन्ग आपको याद होंगे, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग की जो वाइफ है एनी उसका एक कज़न था जैक मॉल्डन, तो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग ने उसको भी काम पे लगा दिया है, तो वो जो भी काम है छोटा मोटा वही करता है, लेकिन वो काम भी जो है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग की ही देन है। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और उनकी वाइफ एनी की ज़िंदगी भी बहुत ही अच्छी चल रही है, वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और बहुत ही खुशहाली से रहते हैं। और एनी की जो माँ थी मिसेस मार्कलम अब वो टांग नहीं अड़ाती अपना उन दोनों के बीच में, और उनकी पावर जो है वो थोड़ी कम हो गई है और वो अपनी बेटी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हैं अब। टॉमी टेडस जो है वो भी अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर है, और कुछ ही टाइम में वो एक जज भी बन जाएगा। टॉमी टेरल्स और उसकी वाइफ सोफ़ी के 2 बेटे भी हैं और वो दोनों बहुत ही खुश हैं अपनी अपनी लाइफ में। डेविड कॉपरफील्ड जो है अब इस नॉवल को ख़त्म कर रहा है, लेकिन ख़त्म करने से पहले वो एक बात कहता है कि ये जितने भी लोग हैं उसके आसपास उनमें से सबसे चमकता हुआ चेहरा या फिर जो चमकता हुआ इंसान है जिसकी रोशनी में वो हमेशा रहता है वो कोई और नहीं उसकी वाइफ एग्नस है, और वो अभी भी उसे हर कुछ में हर चीज़ में गाइड करती है और वो और भी ज़्यादा आगे ही बढ़ता जा रहा है एग्नस की वजह से, वो उसकी लाइफ है उसकी ज़िंदगी है एग्नस। इसी के साथ ये नॉवेल ख़त्म होता है। आप सबका बहुत ही थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। हमेशा नई चीज़ें सीखते रहें।